वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। आज मैं खीर की रेसिपी बनाऊंगी, इसीलिए 1.25 केजी गाय का दूध ली हूँ। दूध को कंटिन्यू स्टर करते हुए बॉईल करूंगी ताकि इसमें थोड़ा भी मलाई ना पड़े। दूध में उबाल आ चुका है, कंटिन्यू 10 मिनट तक इसी तरह से मैं दूध को चलाती रहूंगी। खीर बनाने के लिए दूध थोड़ा गाढ़ा होने से खीर का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। गैस का फ्लेम लो मीडियम करते हुए दूसरे तरफ मैं चावल को अच्छी तरह से साफ करके धो लूँगी और दूध को भी बीच बीच पर चलाती रहूँगी। खीर बनाने के लिए 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं गोविंदभोग चावल ली हूँ। चावल को अच्छी तरह से देख लूँगी, कोई कंकर वगैरह ना हो। आप कोई दूसरे चावल भी ले सकते हैं। चावल को डिश से बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये अरवा चावल है या फिर इसे आतप चावल भी कहते हैं। चावल में पानी डालकर चावल को अच्छी तरह से धो लीजिए। इसी तरह कई बार पानी बदल बदल कर चावल को अच्छी तरह से धो लीजिए। चावल धोया हो गया। साथ ही ली हूँ 10 से 15 पीस काजू, 25 से 30 पीस किशमिश और 1/2 कप से कुछ कम खजूर का गुड़। खजूर गुड़ से खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। साथ ही ली हूँ 2 तेज पत्ता। गैस पर बैठाया हुआ दूध थोड़ा और गाढ़ा हो चुका है। दूध को अच्छी तरह से कलछी से चला दूंगी। डाल दूंगी धोया हुआ चावल। चावल को सावधानी से दूध में डालिएगा। दूध इस वक्त बहुत गर्म होता है, छिटक कर चेहरे पर गिर सकता है। दूध में चावल डालने का काम खत्म होते ही दूध और चावल को अच्छी तरह से कलछी के सहारे चला दीजिए। डाल दीजिए 2 तोड़कर तेज पत्ता। जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता तब तक दूध को अच्छी तरह से स्टर करते रहिए। कलछी को कढ़ाई के तले तक लगाकर डाल दीजिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और दूध के साथ मिक्स कर दीजिए। दूध में उबाल आ चुका है, गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी। दूध 250 से ज़्यादा ही सूख चुका है। अब लगभग 1 केजी के करीब दूध है। डाल दूंगी इसमें काजू। दूध में काजू डालने के बाद भी अच्छी तरह से स्टर करते हुए चारों तरफ का मलाई को मैं दूध में छुड़ाकर डाल दूंगी। अब कलछी को कढ़ाई के तले तक लगाकर स्टर करूंगी क्योंकि दूध क्वांटिटी में बहुत कम बचा है। साथ ही देख लूंगी चावल सीझा है कि नहीं। नहीं, अभी पूरी तरह से चावल सीझा नहीं है, थोड़ा और बाकी है चावल सीझने में। इसीलिए चावल को सीझाने में 1 कप दूध और डालना पड़ेगा। मैं यहाँ टोटल 1.5 केजी दूध का खीर बना रही हूँ। मैं पहले ही ये 1 कप दूध निकाल कर बाहर रख ली थी। दूध में एक अच्छा उबाल आ चुका है। कलछी से कढ़ाई के तले तक लगाकर चलाती रहूंगी। अब फिर से मैं देख लेती हूँ चावल सीझा है कि नहीं। इस बार चावल पूरी तरह से सीझ चुका है, चावल अच्छी मैश हो गया। डाल दीजिए किशमिश। जब तक चावल सीझे ना तब तक किशमिश खीर में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो दूध फट सकता है। जब भी खीर में किशमिश डालिए तो काट कर भी मत डालिएगा, इससे भी दूध फट जाता है। गैस का फ्लेम लो मीडियम करते हुए डाल दूंगी गुड़। आप चीनी भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं पूरा गुड़ नहीं डालूंगी, थोड़ा बचा लूंगी। कंटिन्यू स्टर करते हुए गुड़ और दूध को अच्छी तरह से मिला दूंगी। देखिए गुड़ मेल्ट होने लगा है, गुड़ का कलर दूध में मिलने लगा है। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसका मिठास चेक कर लेती हूँ। मेरे लिए मीठा एकदम परफेक्ट है और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो डालिएगा। देखिए दूध खीर में उबाल आ चुका है। अब कंटिन्यू स्टर करते हुए मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। खीर एकदम तैयार हो चुका है, मैं इसका प्लेटिंग कर लूंगी। हम लोग सर्दी के मौसम में हर मीठा चीज खजूर गुड़ से ही बनाते हैं। देखिए खीर का कलर कितना सुंदर आया है, देखते ही खाने का मन करता है। इसमें डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कटा हुआ किशमिश और काजू। जब ये खीर खाया जाएगा, काजू किशमिश दांत में पड़ेगा तो उसका स्वाद और दोगुना बढ़ जाएगा। साथ ही 15 से 20 धागा केसर का डाल देती हूँ, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। खीर रेसिपी बनाने में करीब 1 घंटा का वक्त लगा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।